हमारे यहां बड़ा सुंदर सूत्र लिखा गया, वीर भोग्या वसुंधरा। कहा के समझना, संसार में धरती को कौन भोगता है, धरती के राज कौन करता है, धरती का राजा कौन बनता है? जो वीर होता है उसको याद किया जाता है। असफल इंसान को संसार याद नहीं करता, सफल और सिद्ध इंसान को संसार याद करता है। असफल लोगों की संसार में कोई वैल्यू नहीं है। और जब आप सफल हो जाते हो, संसार आपके कदमों में आ जाता है, संसार आपके चरण चूम लेता है। इसीलिए कहा वीर भोग्या वसुंधरा, सफल होना जीवन में बड़ा जरूरी है, सफलता हासिल करना जीवन में बड़ा जरूरी है। हम ऐसे ही जन्म को खत्म कर देंगे, ऐसे ही जीवन को खत्म कर लेंगे तो जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। चाहे अभ्यंतर क्षेत्र में सफल होना है तो महावीर बनना पड़ेगा, और बाह्य क्षेत्र में सफल होना है तो वीर बनना पड़ेगा, लेकिन वीरता तो भीतर लानी पड़ेगी। क्या वीर भोग्या वसुंधरा, मैं अभी पढ़ रहा था, ब्रिटेन के जो अभी नए पीएम बने ऋषि सुनक, समझना कितनी मजेदार बात है। भारत वाले ये कहते हैं कि ऋषि सुनक मूल भारतीय है, इसलिए हमें गर्व है कि वो भारत के हैं। पाकिस्तान वाले ये कहते हैं कि उनके दादा का जन्म तो पाकिस्तान के पंजाब में हुआ था, आजाद भारत हुआ उसके पहले, तो वो मूल पाकिस्तान के हैं, ऋषि सुनक पाकिस्तानी है। अब केन्या वाले ये कहते हैं कि ऋषि सुनक के जो पिता है यशवीर सुनक, उनका जन्म केन्या में हुआ था, तो ऋषि सुनक तो केन्या के हैं, वो हमारे देश का गौरव है। देखना संसार में सफलता पूजी जाती है, असफल लोगों के सामने कोई देखने तक तैयार नहीं। इसलिए कहा गया कि वीर भोग्या वसुंधरा। अफ्रीका वाले कहते हैं कि ऋषि सुनक तो अफ्रीका के, अब कहा अफ्रीका और लंदन का कोई लेना देना नहीं। कहा कि कैसे लेना देना नहीं, उनकी जो माता है उषा सुनक, वो हमारे अफ्रीका में उसका जन्म हुआ है, इसलिए वो अफ्रीका के। परेशान अमेरिका वाले आए, वो कहते कि ऋषि सुनक अमेरिका के हैं। कहा कैसे, कहा कि उनकी जो वाइफ है अक्षता कृष्णमूर्ति, उनका जन्म अमेरिका में हुआ है, अमेरिका की नागरिक है, वहीं पर उनका जन्म हुआ है, तो वो अमेरिका के भी कहे जाते। लंदन वाले कहते कि नहीं, ऋषि सुनक तो हमारे यहाँ के, उनका खुद का जन्म तो यहाँ पे हुआ है। अब देखिए आप के जीवन में जब सफलता आपके पास आ जाती है तो कितने लोग आपसे जुड़ने के लिए तैयार होते हैं। जैसे पता चला कि वो ब्रिटेन के पीएम बन रहे हैं, सभी देश वाले कहते हैं कि वो हमारे वीर भोग्या वसुंधरा। संसार में वीरों की पूजा होती है, संसार में असफल लोगों का कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है, संसार में वीर पूजे जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीवन में कोशिश करिए कि सफल बने, जीवन में कोशिश करिए कि जीवन में कुछ हासिल कर पाए, कोई मुकाम हासिल कर पाए। चाहे अभ्यंतर क्षेत्र में सफल बनना हो तो महावीर बनना पड़ेगा, और बाह्य क्षेत्र में सफल बनना हो तो वीर बनना पड़ेगा, पर बिना उसके कुछ हासिल नहीं होगा। का पीठ बल मजबूत चाहिए, और दूसरे नंबर में भुजा बल मजबूत चाहिए। श्री कृष्ण तो पीठ के पीछे खड़े थे, लेकिन अर्जुन भी जैसा तैसा नहीं था। दुनिया के श्रेष्ठ धनुर्धारियों में जिसका नाम आता था, द्रोणाचार्य जब अभ्यास करवा रहे थे, आप सभी ने सुनी होगी वो कहानी, जब अभ्यास करा रहे थे, जब सिखा रहे थे, तब सभी पांडव कौरवों को लाइन से खड़ा कर दिया कि आपको क्या दिखता है, सामने देखो और तीर चलाओ, बाण उठाओ, आपकी ये परीक्षा है। आपने अभी तक जो सीखा, आपने अभी तक जो पाया, आपने अभी तक मेरे से जो ज्ञान अर्जित किया, उसकी आज परीक्षा है। सभी को बुलाया गया, किसी को पेड़ दिख रहा है, किसी को सामने का पहाड़ दिख रहा है, किसी को फल दिख रहा है, किसी को चिड़िया दिख रही है, लेकिन जब अर्जुन की बारी आ गई, उसको पूछा गया कि तुझे क्या दिख रहा है, तो उसने क्या कहा था, क्या दिख रहा है, चिड़िया की आंख दिख रही है। और तब जाके द्रोणाचार्य को पता चला कि दुनिया का श्रेष्ठ धनुर्धारी कोई है तो वो अर्जुन है। और इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि समझ लेना, आप कमजोर हो तो आपके पीछे का पीठ बल भी आपको ज्यादा कुछ सपोर्टिव नहीं बन पाएगा, लेकिन आपके भीतर कोई ताकत है, आप वीर हो, आपके भीतर शक्ति है, आपके भीतर कुछ कर दिखाने की ललक है, तो जीवन में निश्चित तौर पर पीठ बल भी आपके काम आ जाएगा, वो भी आपको सफल सार्थक बना लेगा। इसलिए शास्त्रकार भगवान ने कहा कि समझ लीजिएगा, सबसे पहले नंबर में पीठ बल, दूसरे नंबर में भुजा बल। शक्तिमान बनो। आप इतिहास उठा करके देख लो, जिसके भीतर कुछ पावर था, जिसके भीतर कुछ ताकत थी, जिसके भीतर कुछ शक्ति थी, उसी का नाम इतिहास के पन्नों पर मिलेगा, और कहीं कोई किसी का नहीं मिलेगा, और किसी का प्राप्त ना होगा।
इतिहास में भी वही पूजे जाते हैं जो वीर थे। आप वर्तमान उठा करके देख लीजिए, वर्तमान में नजर डाल लीजिए, वर्तमान में भी वही लोगों की पूजा होती है जो वीर है, जिसके भीतर साहस है, जिसके भीतर शौर्य है, जिसके भीतर जीवन में सफल बनने की ताकत है, वही लोग वर्तमान में पूजे जाते हैं। भूतकाल में भी वही लोगों की पूजा हुई जो वीर थे, वर्तमान में भी वही पूजे जाते हैं जो वीर है, और भविष्य में भी वही पूजे जाएंगे जिसके भीतर एक शौर्यता की ताकत। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।